गुना के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भावी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किए गए थे। उनके समर्थकों का कहना है कि चुनाव से पहले सिंधिया का चेहरा आगे करके युवा नेतृत्व का वादा करके चुनाव जीता गया, लेकिन इसके बाद सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया। एमपी में कांग्रेस की सरकार तो बनी, लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि साजिश रच के सिंधिया को गुना से लोकसभा का चुनाव भी हरवाया गया और उन्हें लगातार एमपी से बाहर रखे जाने की साजिश की जाती रही। पहले सिंधिया को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC का महासचिव बनाकर दिल्ली में बैठा दिया गया और वहीं कमरा भी फिक्स करवा दिया गया। बाद में यूपी के चुनाव की कमान भी दे दी गई। किसी तरह सिंधिया यूपी प्रभारी का पद छोड़कर और AICC के महासचिव पद से त्याग पत्र देकर वापस एमपी में आने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार फिर से सिंधिया को महाराष्ट्र में चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का पद देकर एमपी से बाहर कर दिया गया। सिंधिया समर्थकों को उम्मीद थी कि सीएम कमलनाथ एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे और सिंधिया PCC अध्यक्ष बनकर फिर से एमपी की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। सिंधिया को एमपी से बाहर रखे जाने से सिंधिया समर्थक बेहद नाराज हैं। कमलनाथ सरकार में सिंधिया गुट की मंत्री इमरती देवी ने तो खुलेआम इस फैसले की निंदा की है। अब सवाल ये उठता है कि सिंधिया को एमपी से बाहर करने में किसका हाथ है, किसको सिंधिया के एमपी में रहने से नुकसान है और बाहर रहने से फ़ायदा। तो इस सवाल के जवाब में अधिकतर लोग एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। जिस व्यक्ति को सिंधिया के बाहर रहने से फ़ायदा है उसके कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अच्छे रिलेशन है और यही कारण है कि एक बार फिर एमपी में आते आते सिंधिया को बाईपास से महाराष्ट्र भेज दिया गया है।